हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल? उम्मीद करता सबके बढ़िया ही होंगे। ईट स्लीप क्रिकेट और ये रिपीट। तो बहुत दिनों से मैं आप लोग देख रहे होंगे लगातार, जब से मैंने कम बैक किया है तो आप लोग को एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा जोरदार। 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मैंने कल अर्न किया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा, इंडिया में ये रिकॉर्ड हो गया है स्मॉल लीग से 1 करोड़ का प्रॉफिट करना एक दिन में मेरे नाम पर। बाकी आज तक किसी ने भी 1 करोड़ का प्रॉफिट स्मॉल लीग्स में आज तक नहीं किया, मैंने कल किया है। अब पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। किस्सा क्या था? किस्सा भाई ये था कि जब मैंने लंका प्रीमियर लीग शुरू हुई 6 दिसंबर को, तो मैंने उस दिन से मैंने वापसी करी। टेलीग्राम पर मैंने मैसेज डाला, अब मैं वापसी कर रहा हूँ, अब मैं खेलूंगा। तो उस दिन से मैंने 10 लाख रुपये डिपॉजिट किए एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर, वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। वहाँ पर मैंने 10 लाख रुपये मैंने डिपॉजिट किए। पहले मैच में हम 5 लाख रुपये हार गए और बचा मेरे पास 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए से मैंने 13 दिन लगे मुझे, 13 दिन में 5 लाख रुपए से मैंने 2 करोड़ 37 लाख रुपए कर दिए। ठीक है, 2 करोड़ 37 लाख रुपए, सोच रहे हो आप, 13 दिन में। और 14वें दिन ओवरऑल जो मेरा लॉस रहा वो मेरा रहा 80 लाख रुपए। 80 लाख का मैंने पहले अनाउंस कर दिया था, तो इंटरनेट पे हर जगह, न्यूज में हर जगह यही वायरल हो गया कि अनुराग द्विवेदी का 80 लाख का लॉस हुआ है। अब मैंने भाई थोड़ा, मैं भी थोड़ा हाई था, रात में सो गया पार्टी वार्टी करके, क्योंकि जिस दिन मैं लॉस होता है मैं पार्टी करता हूँ, जिस दिन प्रॉफिट होता है शांति से काम करता हूँ। तो मैं सो गया, सुबह मैंने देखा कि 17 से 18 लाख रुपए वापस आ गए थे, मतलब कुछ कॉन्टेस्ट में जीत गया था। तो ठीक है, ओवरऑल जो आप मेरा लॉस है 63 लाख रुपीज़ का मेरा मान लो लॉस रहा था। ठीक है, आप समझो कि 2 करोड़ 37 लाख मेरा बैलेंस था। और यार सोचने वाली बात यह है कि साला आप सोचो कि मेरा बैलेंस मैं 1 करोड़ 74 लाख रुपए मेरा बैलेंस बचा 14वें दिन 2 करोड़ 37 लाख से। ठीक है, पहली बात तो 5 लाख से 2 करोड़ 37 लाख किया 13 दिन में, बहुत अच्छा खेला। और उसके बाद 14वें दिन हारा, मेरा बैलेंस हो गया 2 करोड़ 37 लाख से 1 करोड़ 75 लाख रुपये मेरा पैसा बचा। अब मुझे ये लॉस कवर करना था भाई, मुझे ये लॉस कवर करना था। मैंने गलती भी करी हो, मैं गलती आपको समझाता हूँ क्या, ताकि आप लोग कभी भविष्य में ऐसी गलती ना करो। तो गलती बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो कल मैंने बिग बैश लीग में इन्वेस्टमेंट करी, कितनी इन्वेस्टमेंट करी रुको यार स्क्रीनशॉट देखता हूँ मैं, चला तो इतने मैच खेलो ना याद ही नहीं रहता। तो बिग बैश लीग में मैंने इन्वेस्टमेंट करी 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें से 90 लाख रुपए मैंने विन किए, मेरा प्रॉफिट आया 55 लाख रुपए का। जिनको प्रूफ चाहिए टेलीग्राम पर आप चेक कर सकते हो, कल मैंने सारे प्रूफ दे दिए। और रोजाना मैं विनिंग अपनी शेयर करता हूँ, हारता हूँ तो ये भी दिखाता हूँ, देखो मैं 1 लाख रुपए हारा, क्योंकि अपना काम जेन्युइन है, अपना काम लोगों को लूटना नहीं है ना लोगों को लालच देना, अपना काम है जेन्युइन हूँ। मैं हारता हूँ तो भी दिखाता हूँ, जीतता हूँ तो भी दिखाता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैच में मैंने इन्वेस्टमेंट करी भाइयों, अरे यार इतनी टीम पड़ी है। उसके बाद सेकंड मैच में मैंने इन्वेस्टमेंट करी, जो कल इंडिया वोमेन ऑस्ट्रेलिया वोमेन का मैच था, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी 22 लाख रुपए की, जीता मैं 65 लाख रुपए, प्रॉफिट मेरा 43 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट आया 43 लाख रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट एक दिन में रहा वो कितना रहा, मान लो 2 लाख रुपए कम, बस 2 लाख रुपए कमीशन की मेरी कमाई मांग लो, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट मैंने एक दिन में कमाया। अब मेरा जो बैलेंस है वो है, एक कितना है तुरंत देख ही लेता हूँ, 2 करोड़ 75 लाख रुपए मेरा बैलेंस है, समझे आप, 2 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ये सीन रहा। अब ये चीजें बहुत वायरल हो गई, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, भाई तुम चैंपियन हो, कम बैक करोगे, ये करोगे। देखो वो सब ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मैं चैंपियन हूं, मैं कम बैक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत लगी रहती है। मगर मैंने गलती क्या करी, मैं अपने आप से नाखुश क्यों? गलती मैंने ये करी कि परसों के दिन जब मैं 2 मैच हारा था, दो मैच में शुरुआत में हार चुका दोनों, मतलब बहुत बड़ा, तो मुझे लॉस रिकवर करने के लिए बजट से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने लंका प्रीमियर लीग वाले में जो लास्ट मैच था लॉस कवर करने चक्कर में 64 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए बजट से, जो कि बहुत ज्यादा था। तो कभी भी अगर आपका कोई दिन खराब जा रहा है तो हमेशा उस दिन को खराब जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खेल लो, बस ये सोचो कि लॉस आज नहीं रिकवर करना है, कल कर लेंगे, समझ रहे हो वो चीज। अब बताता हूं मैंने कैसे किया, किस तरीके से मैंने अपना पैसा ऐसा बढ़ाया। देखो भाई, जब मैंने वापसी करी अपनी 6 दिसंबर को, मैंने लोगों से बोला था, तो मैंने बोला था मेरा टारगेट है कि अभी लंका प्रीमियर लीग चालू हो रही, बिग बैश लीग होगी, फिर सुपर स्मैश होगी, फिर पाकिस्तान सुपर लीग होगी, फिर आईपीएल होगा। आईपीएल से पहले ही मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है, 5 करोड़ का प्रॉफिट मुझे बनाना है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब गोल था कि 5 करोड़ का मुझे प्रॉफिट बनाना है। अभी तो खैर काफी प्रॉफिट बड़ी जल्दी बन गया,
अभी किया कैसे? देखो हमेशा मैं बैकअप रखता हूँ, 5-10 मैच खेलने का बैकअप रखता हूँ। शुरुआत में जब 5 लाख थे पूरे लगा दिए थे साला, कि अब क्या ही है, हारेंगे जीतेंगे तो वो अलग सीन था, मगर बाद में मैंने हमेशा हर मैच में बैकअप रखा। अगर मैं पूरा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अगर मैं एक मैच हारा तो दूसरा जीतूंगा, दूसरे में डबल इन्वेस्ट कर दूंगा, दूसरा हारूंगा तो तीसरा जीतूंगा, तीसरे में टोटल लॉस का डबल इन्वेस्ट कर दूंगा, तीसरा भी हार गया तो जितना तीनों मैच में लॉस हुआ उसका डबल चौथे मैच में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो हमेशा बैकअप रखो, 5-10 मैच का बैकअप रखो अपने पास, 10 मैच का कम से कम बैकअप रखो। कि अगर अनुराग भाई की टीम से खेल रहा हूँ तो अनुराग भाई की टीम क्योंकि ऐसी होती है, बता रहा हूँ, अगर जीतोगे तो एक तरफा जीतोगे, हारोगे तो एक तरफा हारोगे। और मैं आपको लगातार बहुत ज़्यादा 8 मैच हरा सकता हूँ, 7 मैच हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं टीम बहुत रिस्क लेता हूँ भाई। मैं, मेरा दिन चल रहा है, मेरा टाइम चल रहा है, तो भाई कमा लोगे, नहीं तो फिर आप 8 मैच भी लगातार हार सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये मेरा भाई सीन रहता है, और मैंने पहले ही बोला था लोगों से, वापस आ जाओ मेरे साथ खेल लो, मेरा ये टारगेट है, आप भी मेरे साथ कमा लो। देखो यार मेरा क्या है, मैं कोई पैसा तो लेता नहीं टीम देने का, टीम तो फ्री में देता हूँ ना, कोई पैसा नहीं लेता, पैसा तो लेता ही नहीं, एकदम टीम फ्री में देता हूँ, कोई चार्ज आपसे लेता ही नहीं मैं, सब कुछ फ्री। और चाहूँ तो टीम ना दूँ, जबकि जितनी मेरी विनिंग है इसकी, ये मेरी विनिंग बहुत आगे होती, बैलेंस 2,75,00,000 ना होता, यहाँ पर 3,50,00,000 होता, मेरी आधी से ज़्यादा विनिंग्स मेरी जो है कम पड़ जाती, क्योंकि मेरी रैंक लेस होती है, जो मैं टीम शेयर करता हूँ, लाखों लोग टेलीग्राम पर टीम देखते हैं और सेम टीम से वो भी आते हैं, तो रैंक लेस जो आती है, जो विनर होता है पैसा आधा आधा बढ़ जाता है, तो मेरा नुकसान ही है टीम देने में, मगर इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर मैं कमा रहा हूँ मेरी जनता भी साथ में कमा, मुझे आप सबसे प्यार है, आप लोग मेरा परिवार हो, सिंपल सी बात है यार ये, समझ रहे हो? तो आप लोग भी खेलो मगर बैकअप रख के खेलो, और मेरे साथ खेलो दबा के खेलो, कोई टेंशन नहीं है, मगर बैकअप रखो, समझ रहे हो? बजट लेके और जिस प्लेटफॉर्म पर मैं बोलूँ वहाँ पर खेलो, ड्रीम इलेवन पर खेलने की जरूरत नहीं है, ड्रीम इलेवन पर आप स्मॉल लीग नहीं ग्रैंड लीग खेलो, वहाँ पर ग्रैंड लीग 50 रुपये लगाए, किस्मत चल गई, 8-10 लाख रुपये जीत गए, करोड़ रुपये जीत गया, वो अलग बात है, लेकिन छोटी जो लीग होती है स्मॉल लीग, 2 मेंबर से लेके 20 मेंबर 25 मेंबर वाली लीग, वो आप उन्हीं उसी प्लेटफॉर्म पर खेलो जहां पर मैं आपको बोलता हूं, कहां पर बोलता हूं टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज है, तो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सीन रहा, मजा आया, लेकिन क्योंकि हार और जीत के बीच जो टेंशन वाला मौका होता है ना वो बहुत गजब होता है यार, मजा आ गया कल तो। अब जितने लोगों ने भी मुझे प्यार दिया, बहुत प्यार मिला, आकाश चोपड़ा सर ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत चिल, मेरा मूड एकदम चिल कर दिया था जिस दिन मेरा लॉस हुआ था, तो थैंक्स टू यू आकाश सर, आई लव यू। और बाकी मेरे दोस्त, मेरे बाकी जो मेरा परिवार है टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार देते रहो, आप लोग का प्यार है साथ में तो कुछ भी अचीव कर लेंगे यार, ये 2-3-4-5 करोड़ रुपये कोई बात नहीं है, हम क्योंकि मैं चाहता हूँ हम कमाएं तो हम सब साथ में कमाएं, ठीक है? सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आज देखते हैं, आज बिग बैश लीग का मैच है, 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाई यार, क्योंकि मैं थोड़ा हाई हो जा रहा था रात में तो फिर जब मैं थोड़ा अंदर कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद में वीडियो नहीं बनाता, मेरी आदत है। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बिग बैश की मैच की आज की, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या टीम न्यूज है दोनों टीम्स में, क्या क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन से प्लेयर्स को बैठाया जाएगा, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, कौन सा प्लेयर क्या है, क्या करता है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा पिच के बारे में, जिस ग्राउंड पर आज मैच है वहां की पिच कैसी है, जिलाओं की पिच कैसी है, वो भी आपको बताऊंगा, और क्या क्या नंबर्स है, कौन सी टीम ने कितने मैच जीते हैं जब दोनों टीम खेली हैं, और इस पिच पर कितने रन कितनी बार बने हैं, उसके बाद कौन से प्लेयर की क्या एवरेज है, क्या स्ट्राइक रेट है, ग्राउंड पर कैसा खेलता है, जब दोनों टीमें आमने सामने खेलती तो वो प्लेयर कैसा खेलता है, ओवरऑल बिग बैश लीग में कैसा खेलता है, पिछले साल कैसा खेला था, सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे दोस्त मेरी बात को बस ध्यान से सुनना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना, मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपसे पैसा कमाने नहीं, मैं आपको जिताने आया हूँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, सिंपल सी बात है, और आप ही लोग का प्यार आशीर्वाद है, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला मेरे लिए इतना कुछ कर देता है, ठीक है, किस्मत इतना साथ दे देती है, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो और वीडियो को ध्यान से देखते रहो। और हाँ, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया आपकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, बट ढंग से फॉलो करना है, ठीक है? तो ये चीज, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया, अब एक कमेंट भी कर दो मेरे बारे में, कुछ यार कुछ बोलना चाहोगा तो कमेंट कर दो, मेरी जीत के बारे में, मेरे लॉस के बारे में, मेरे कमबैक के बारे में, मेरी कुछ मुझमें कमियां हैं वो बताओ, कुछ मुझमें अच्छाइयां हैं वो बताओ, जो भी मन में आए मेरे लिए कमेंट कर दो, एक कमेंट एक लाइक आपका आ जाएगा तो मत दिल खुश हो जाएगा, ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं टीम न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे टीम न्यूज़ की, तो टीम न्यूज़ ये भाई, ये मैट रेनशॉ और माइकल नेजर, ये दो बड़े प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हैं ब्रिस्बेन हीट के, वापस आ चुके हैं स्क्वाड में और ये पक्का खेलेंगे ये मैच। अब बात करें रेनेगेड्स, तो रेनेगेड्स की टीम 2 में से 2 मैच जीती है, तो मेरे ख्याल से वो कोई चेंज नहीं करेगी, सेम प्लेइंग 11 से खेलेगी।
अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो लास्ट मैच में थी वही सेम प्लेइंग 11 है, इसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रिस्बेन हिट की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर ओपन करेंगे या तो मैक्स ब्रांड खेलेंगे या फिर जॉय ब्राउन। अब जॉय ब्राउन जो है ये इसने प्रैक्टिस मैच में बहुत मारा था और दो विकेट भी लिए थे, बॉलिंग भी कराता है, लेकिन यहाँ पर खेलने के चांस ब्राउन के कम है क्योंकि मैक्स ब्रांड काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है बिग बैश लीग का। मेरे ख्याल से मैक्स ब्रांड और कॉलिन मनरो ओपन करेंगे। फिर आएंगे मैट रेनशॉ, फिर सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स दिया हुआ है विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है, पियर्सन खेल रहा है, विकेट कीपिंग पियर्सन ही करेगा। तो सैम बिलिंग्स से ये मत उम्मीद करना कि आपको विकेट कीपिंग से कैच और स्टंपिंग के पॉइंट मिल जाएंगे, नहीं, वैसे बैट्समैन ही खेल रहा है। फिर रॉस वाइटले हैं, रॉस वाइटले एक बहुत अच्छा हिटर है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 6 छक्के भी मार चुका है। उसके बाद जिमी पियर्सन है, फिर जेम्स बेजले, बेजले को ऑलराउंडर है, अच्छी खासी हिटिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है और बॉलर तो अच्छा है ही। माइकल नीजर ये भी एक ऑलराउंडर है, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है मगर बॉलिंग बहुत अच्छी करता है स्पेशली पावर प्ले में। उसके बाद मार्क स्टेगेटी है, मिचेल स्वेप्सन है, मैट क्विनेमान और बार्टलेट में से कोई एक। मेरे ख्याल से क्विनेमान को खिलाएंगे क्योंकि पेसर्स ऑलरेडी इनके पास हैं, बेजली है, नीजर है, स्टेकटी है और पिच पर थोड़ा स्पिन का भी है, बताऊंगा आपको पिच के बारे में। तो मेरे ख्याल से क्विनेमान साथ जाएंगे, क्विनेमान ने लास्ट मैच में परफॉर्म भी बहुत बढ़िया किया था। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में, पिच के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दूं, जो भी प्रेडिक्शंस मैं देता हूं टेलीग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, अभी इस वीडियो में भी मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगा, टिप्स दूंगा फैंटेसी की, तो उन प्रेडिक्शंस को आप फॉलो करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन फेयर प्ले पे। फेयर प्ले क्या है? फेयर प्ले एक क्रिकेट एक्सचेंज की वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां पर आप विजिट करके www.fairplay.co.in पर आप विजिट करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हो, चाहे आपका प्रेडिक्शन टॉस का हो, चाहे आपका प्रेडिक्शन मैच का हो। मुझे लग रहा है ये मैच हीट जीतेगा, तो आप हीट पर पैसा लगा सकते हो। सेशन भी आप खेल सकते हो, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 4 ओवर में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर में, 15 ओवर, 20 ओवर में कितने रन बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों पर भी आप खेल सकते हो। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बहुत भी सारे स्पोर्ट्स, फुटबॉल भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, साथ में स्पोर्ट्स ही नहीं, 100 से भी ज़्यादा लाइव गेम्स हैं। आप बोलोगे लाइव गेम कौन से? जैसे अंदर बाहर हो गया, रॉलेट हो गया, कैसीनो हो गया, ये सारे गेम्स भी यहाँ पर चलते रहते हो। इनमें भी आप ऑनलाइन खेल के खूब सारा पैसा कमा सकते हो और जीतने के बाद इजीली बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑफर चल रहा है, अभी अगर आप जाओगे विजिट करोगे और डिपॉजिट करोगे तो 300% का आपको डिपॉजिट बोनस ऑफर चल रहा है, उसका जाके फायदा उठा और कमाना शुरू कर दो। चलो अब बात करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, ग्राउंड रिपोर्ट की। तो देखो भाई, 14 मैच जो पिछले इस ग्राउंड पर खेले गए उनका जो एवरेज है वो सिर्फ 150 का है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 7 बार जीती है, यानी दोनों ही टीम उसमें एडवांटेज है एक मैच का, हाँ ठीक है। अब बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से नीचे 5 बार स्कोर बनाए, 150 से 170 तक 6 बार स्कोर बनाए और 170 से 190 तक सिर्फ 2 बार स्कोर बनाए और 190 के ऊपर सिर्फ 1 बार स्कोर बनाए। यानी उम्मीद यही करो कि इस मैच में आपको 150-160 वाला ही आपको मतलब पिच देखने को मिलेगी, बस इतने ही रन बनेंगे। अब बात करें आगे हम पिच रिपोर्ट की, देखो जो साइमन स्टेडियम है जिलोंग, एक डिसेंट पिच है, यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग पेसर सबको मदद मिलती है, जो बैट्समैन टिक के खेलता है टाइम देता है पिच पे, टाइम लेता सेट हो जाता है वो अच्छा खेल लेता है, और पेसर्स को शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है और स्पिनर्स को जब पिच पुरानी हो जाती है, सेकंड इनिंग्स के जो स्पिनर्स हैं उनको मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, अभी से बता रहा हूं। अब बात करें टॉस, तो यहाँ पर फैक्टर नहीं है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मतलब कुछ भी कर सकती है, उससे कोई वो नहीं, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही मतलब जीतेगा। 150-160 रन की उम्मीद आप कर सकते हो। हेड टू हेड की बात करें दोस्तों, तो 18 मैच दोनों टीमों के बीच में खेलेंगे, जिसमें 12 मैच रेनेगेड्स जीती है, 6 मैच हीट जीती है, शायद आज हीट के साथ हो जाएं। अब बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे आपका। अब सैम हार्पर जो है ओवरऑल बिग बैश लीग में एवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, 1200 रन लेकिन बना चुका, काफ़ी मैच खेल चुका, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है। 21 के एवरेज है, पिछले साल एवरेज 18 का ही था, बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं, मगर इस ग्राउंड पर एवरेज जो है 26 का है और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, यानी इस ग्राउंड का इसको एक्सपीरियंस है। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो इस टीम के सामने 27 की एवरेज है, ब्रिस्बेन हिट के सामने 27 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, तो ये अच्छी बात है। निक मेडिसन की बात करें 22 की एवरेज ओवरऑल है, पिछले साल 16 का एवरेज था, और अगर हेड टू हेड की बात करें 24 की एवरेज है, ग्राउंड की बात करें 27 की एवरेज है, लेकिन सिर्फ 3 मैच खेले इसने ग्राउंड पे। बात करें फ्रेजर मैकबर्ग की, तो ओवरऑल बिग बैश लीग की एवरेज जो है 16 का है और लास्ट सीजन 14 का एवरेज था, हेड टू हेड 14 का ही है और ग्राउंड पर तो 6 ही का एवरेज है। अराउंड फ्रेंच की बात करें तो बिग बैश लीग में ओवरऑल एवरेज 33 का है, लास्ट सीजन 39 का एवरेज था, हेड टू हेड में 43 का एवरेज था और ग्राउंड पर एवरेज 20 का है। अब देखो ऊपर सब अच्छा है लेकिन ग्राउंड पर एवरेज उतनी अच्छी नहीं है और बैटिंग भी नीचे करेगा, अब ओपन नहीं करता ये। जोनाथन वेल्स ओवरऑल एवरेज 34 का है बिग बैश लीग में, पिछले साल बहुत अच्छा खेला, लगभग 40 का एवरेज था और हेड टू हेड में भी एवरेज अच्छा
36 का, मगर इस ग्राउंड पर एक मैच में सिर्फ 22 रन बनाए, मगर अच्छा खेला, जितना भी खेला अच्छा खेला इस ग्राउंड पर, जितनी भी बॉल खेली अच्छी खेली है, यानी ये आपके लिए काम आ सकता है। बात करें एंड्रे रसेल की, तो 26 मैच बिग बैश लीग के खेले हैं, 24 के बैटिंग एवरेज है और 28 विकेट भी है, यानी ठीक है, मस्ट भी कहे तो। पिछले साल 5 मैच में 83 रन थे, 3 विकेट थे। अब हेड टू हेड की बात करें, 4 मैच में 63 रन है, 3 विकेट है, इस ग्राउंड पर रसेल नहीं खेला है। विल सदरलैंड 31 मैच में सिर्फ 13 विकेट, यानी कि बिग बैश लीग में ये विकेट टेकर नहीं है, और उसके बाद और 120 रन भी, रन भी उतना कुछ ज्यादा नहीं है। पिछले साल 12 मैच में 5 विकेट, यानी विकेट टेकर नहीं है। हेड टू हेड की बात करें, 5 मैच में 3 विकेट और 36 रन, यानी विकेट टेकर नहीं। इस ग्राउंड पर 3 मैच में 1 ही विकेट, यानी विकेट टेकर नहीं है, तो ये चीज है। अकील हुसैन 2 मैच में 4 विकेट ले चुका है, 14 रन दी और 14 रन भी बनाए बिग बैश लीग में अभी तक, क्योंकि इसी साल उसने डेब्यू किया। और टी ट्वेंटी में बात करें, 32 मैच में 25 विकेट है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में और 132 रन है। हेड टू हेड में इस मैच इसी टीम के सामने 1 मैच खेला, 3 विकेट लिए थे अकील हुसैन ने। थॉमस रॉजर्स की बात करें, तो 27 मैच में 32 विकेट, यानी विकेट टेकर तो है बिग बैश लीग में। पिछले साल 13 मैच में 20 विकेट थे, बहुत बढ़िया बात है। इस ग्राउंड पर तो ये खेला नहीं है, मगर हाँ इस टीम के सामने जरूर खेला, हिट्स के सामने 4 मैच में 4 विकेट लिए, 55 रन भी बनाए, यानी बैटिंग से भी आपको एडवांटेज देता है। केन रिचर्डसन 90 मैच में लगभग 120 विकेट, यानी विकेट टेकर है। पिछले साल भी 11 मैच में 19 विकेट लिए थे, बहुत बढ़िया। हेड टू हेड देखें तो ब्रिस्बेन हीट के सामने 11 मैच में 13 विकेट, अच्छे नंबर्स हैं। ग्राउंड पर 6 मैच में 5 विकेट है। मुजीबुर रहमान ग्राउंड पर तो खेला नहीं है और इस टीम के सामने 1 मैच खेला, विकेट नहीं लिए थे। पिछले साल 11 मैच में सिर्फ 8 विकेट थे। ये बहुत ही कम मैच होते हैं कि मतलब जिसमें से ये 2-3 विकेट लेता है, इतना बता रहा हूं मैं। और बाकी बिग बैश लीग में 39 मैच में 38 विकेट, यानी विकेट टेकर बहुत बड़ा नहीं है, मगर कोई कोई मैच में इसको हेल्प मिल जाती है तो प्रेशर में ये विकेट निकाल देता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हिट के प्लेयर्स की, तो मैक्स ब्रांड का देखो 22 का एवरेज है बिग बैश लीग में ओवरऑल, और लास्ट सीजन 23 का एवरेज था, यानी एवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, 10 में से 3 मैच में चलेगा ही बस। लेकिन हेड टू हेड की बात करें तो 21 का एवरेज उतना खास हेड टू हेड भी नहीं है, मगर स्ट्राइक रेट अच्छी है। जब ब्राउन की बात करें तो 7 के एवरेज है बिग बैश लीग में और हेड टू हेड भी 7 का, इसी टीम के सामने एक मैच खेला था, 7 रन बनाए थे बस, वो भी 10 बॉल पे। कॉलिन मनरो की बात करें 33 के एवरेज है बिग बैश लीग में, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और पिछले साल भी 44 का एवरेज था, बहुत अच्छा था। इस ग्राउंड पर 41 का एवरेज, सॉरी इस टीम के सामने 41 का एवरेज है, लेकिन इस ग्राउंड पर अभी तक नहीं खेला है। बात करें मैट रेनशॉ की, तो 25 का एवरेज है बिग बैश लीग में ओवरऑल, हेड टू हेड देखें 23 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 रन मारे हैं 60 की स्ट्राइक रेट से, यानी कितनी बॉल हो गई, 5 बॉलों में 3 रन मारे थे। सैम बिलिंग्स ने इस ग्राउंड पर नहीं खेला है बिग बैश लीग का कोई मैच, और लेकिन इस टीम के सामने 3 मैच में 38 रन 13 का एवरेज है, पिछले साल 40 का एवरेज था, बहुत बढ़िया, और ओवरऑल 32 का है, मगर अच्छी पिक है नो डाउट, अगर पहले बैटिंग करें रख सकते हो। वाइटले इस ग्राउंड पर नहीं खेले, हेड टू हेड में 28 के एवरेज है, काफ़ी अच्छा खेला था पिछला मैच इन इसी टीम के सामने रनगेट के सामने, और 24 के एवरेज T20 में है ओवरऑल, और बाकी बिग बैश लीग में एक एक ही मैच खेला, वही 28 रन जो मार रहे थे। पियर्सन का उतना कुछ खास नहीं। नीजर का देख लेते हैं, 70 मैच में 73 विकेट है, 400 रन भी है, और हेड टू हेड में देखें 10 मैच में 12 विकेट है, 105 रन है, और ग्राउंड पर एक मैच खेला है, 2 विकेट ले चुका है और 13 रन भी है। बिजली 20 मैच में 17 विकेट है बिग बैश लीग में, पिछले साल 11 मैच में 12 विकेट थे, और हेड टू हेड की बात करें 3 मैच में 5 विकेट ले चुका है, ये अच्छी बात, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। बार्टलेट का भी ग्राउंड पर नहीं है, हेड टू हेड में 4 मैच में 4 विकेट है, बिग बैश लीग में 24 मैच में 23 विकेट है, 7 मैच में 11 विकेट पिछले साल थे। स्टेगेटी विकेट टेकर है, 62 मैच में लगभग 80 विकेट है 62 मैच में, पिछले साल 8 मैच में 12 विकेट थे, और ग्राउंड पर तो नहीं है, लेकिन हाँ इस टीम के सामने 7 मैच में 10 विकेट ले चुका है। कुनेवान 19 मैच में 14 विकेट, यानी कि विकेट टेकर नहीं है, लास्ट मैच में 3 विकेट ले चुका तो बस हो गया इसका काम। पिछले साल 7 मैच में सिर्फ 6 विकेट थे और ग्राउंड पर तो नहीं खेला, मगर हाँ हेड टू हेड जो खेला 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं, जिसमें से 3 विकेट लास्ट मैच के ही हैं। स्वेप्सन 55 मैच में 54 विकेट, लास्ट सीजन 5 मैच में 5 विकेट, और हेड टू हेड 9 मैच में 8 विकेट। ये तो हो गया भाई स्टैट्स की बात, अब इन स्टैट्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप टॉस के बाद आप टीम बना रहे हो, आपको 2 प्लेयर में कन्फ्यूजन है तो आप स्टैट्स देख लो, समझ गए, बस तेज बोलो साला गला एकदम खरच जाता है। तो अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, आपको ये टिप्स जो है बहुत काम आएंगी। बात करें अगर हम विकेट कीपिंग सेक्शन में, जो आप टीम बनाओगे तो हार्पर और बिलिंग्स आपके लिए सेफ चॉइस है स्मॉल लीग्स में। सैम्बलिंग 4 बैटिंग करके हार्पर ओपन करेगा, लेकिन सैम्बलिंग्स विकेट कीपिंग नहीं करेगा, हार्पर विकेट कीपिंग भी करेगा। हार्पर ज्यादा अच्छी चॉइस है, बाकी सैम्बलिंग भी अच्छी चॉइस है। पियर्सन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करता है। एरॉन बैटिंग सेक्शन की बात करें, एरॉन फिंच कॉलिन मनरो और मैकबर्ग ये आपके लिए सेफ चॉइस रहेंगी, क्योंकि तीनों ने अच्छा खेले अपने लास्ट मैच में और पक्का खेलेंगे नो डाउट, और जिस जगह पर बैटिंग उसी जगह पर बैटिंग करेंगे। बाकी मैक्स ब्रायंट आपका ट्रंप हो सकता है कि ओपन करेगा, 10 में से 3 मैच में चलता है, इतना मैं बता रहा हूँ, तो आपका ट्रंप हो सकता है।
अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। रॉस वाइटले, जोनाथन वेल्स, ये आप इन ये रॉस वाइटले और जोनाथन वेल्स ये आपके लिए अच्छी अच्छी पिक हो सकती है। मतलब अगर पहले बैटिंग करें, ठीक है, मतलब जोनाथन वेल्स दूसरी टीम में, वाइटले दूसरी टीम में, जो भी टीम पहले बैटिंग करे उस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ वेल्स को जरूर ट्राई करना अगर ये पहले बैटिंग करे, ठीक है, रेनेगेड्स। वेल्स को मैं भी ट्राई करूंगा। मैट रेनशॉ और ऑलराउंडर की अगर बात करें तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में रसेल, बेजली, मेडिसन ये आपके लिए सेफ चॉइस है, ठीक है। बेजली और रसेल आपको ऑलराउंडर वाली चॉइस देंगे, मेडिसन सिर्फ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर नहीं रहा है। रेनशॉ और माइकल नेजर भी ऑलराउंडर सेक्शन में और ये आपके लिए ट्रंप है क्योंकि ये खेलेंगे, ये बहुत अच्छे प्लेयर है, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। बॉलिंग की बात करें तो रिचर्डसन, स्टेगिटी, अकील हुसैन, मैट कुनेमान और थॉमस रोजर्स ये आपके लिए सेफ पिक रहेंगे इस मॉलिंग में, जिसमें से आपको अकील हुसैन और थॉमस रोजर्स आपको बैटिंग से भी बैकअप देते हैं। लास्ट मैच में छक्का मारा था अकील हुसैन ने, एकदम प्रॉपर बैट्समैन वाला। अब बात करें बॉलर्स में ट्रंप कौन होगा, मुजीबुर रहमान, मिर्चा स्वेप्सन और बार्टलेट, इन तीनों में से जो भी खेल रहा है देख ले सकते हो आप, उसको ट्रंप बना सकते हो, ट्रंप हो सकता है। मैं शायद मुजीब को अपना ट्रंप बनाऊंगा। रसेल, अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो रसेल, बेजली, मुनरो और केन रिचर्डसन ये चार प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है, ठीक है। अब बात करते हैं मैच के प्रेडिक्शंस की, तो मेरे प्रेडिक्शंस को भी ध्यान सुन लेना, इन्हीं प्रेडिक्शन पर डिपेंड करके आप ग्रैंड लीग की टीम ही बना सकते हो। सबसे पहला जो दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि हार्पर और मैकबर्ग ये दोनों प्लेयर रन बनाएंगे रेनेगेड्स के लिए, ठीक है। मेडिसन और फिंच दोनों फ्लॉप हो जाएंगे और रसेल और जोनाथन वेल्स में से कोई एक बहुत अच्छी पारी खेलेगा अगर रेनेगेड्स पहले बैटिंग करती है। केन रिचर्डसन और मुजीबुर रहमान ये दोनों बॉलर मिलकर 4 से 5 विकेट इस मैच में लेंगे। बाकी अगर बात करें उनकी टीम की हिट्स की, तो मुनरो और रेनशॉ ये दो प्लेयर जो है रन बनाएंगे हिट्स के लिए और सैम बिलिंग्स या मैक्स ब्रांड में से कोई एक अच्छी पारी खेलेगा अगर ब्रिस्बेन हिट पहले बैटिंग करती है। बाकी माइकल नीजर तो पक्का विकेट लेगा, साथ में स्टेकटी या स्वेप्सन, ये तीन, ये मान लो ये तीन बॉलर मिलकर 5 से 6 विकेट लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे 7 प्रेडिक्शंस हैं। 7 अजूबे तो देखे होंगे आपने, उनके बारे में सुना होगा, देखे तो नहीं होंगे, उनके बारे में सुना होगा, ये 7 मेरे प्रेडिक्शन जरा देख लेना, अजूबा ही लगेगा आपको शायद मैच के बाद, ठीक है। तो चलो ये था इस वीडियो में। अब देखो, अब मेरी टीम देखो, ये आपको स्क्रीन पर एक टीम दिखी, जी हाँ, ये मेरी स्मॉल लीग टीम है फिलहाल है। अब ये फिलहाल इस टीम से आप स्मॉल लीग खेल सकते हो, 2 मेंबर से लेकर 20 मेंबर, 25 मेंबर तक की लीग आप इस टीम से खेल सकते हो और विन कर सकते हो। बाकी टॉस के बाद अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता, कोई चीज होती है टॉस के बाद, मुझे लगता है टीम पहले बॉलिंग करा रही है, टीम पहले बैटिंग कर रही है, ये चेंज करना चाहिए, वेल्स को लेना चाहिए, बार्टलेट खेल रहा है बार्टलेट को रख लेते हैं, तो अगर कोई मेरे मन में चेंज आएगा तो मैं अपनी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो जाओ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसी लिंक पर, नीचे जो लिंक दिया उसी लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अगर लिंक काम ना करे तो आप सीधी सी बात है, आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, ऊपर वहाँ पर सर्च करो अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। अनुराग द्विवेदी नाम से चैनल है, ब्लू टिक लगा हुआ है, 5,24,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कि अगर फिर भी ना मिले तो यहाँ पर एक यूज़र नेम दिख रहा होगा, अनुराग एक्स क्रिकेट, इस पर क्लिक कर दो, मतलब अनुराग एक्स क्रिकेट, बिना स्पेस के लिखना अनुराग एक्स क्रिकेट, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, आगे हमारे साथ विन करो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। और मेरे प्रेडिक्शन तो आपके आपके प्रेडिक्शंस हो, आपको अगर किसी चीज़ पर लग रहा है ये चीज़ होने वाली है तो उस चीज़ पर आप पैसा लगा सकते हो और फेयर प्ले पर खूब सारा पैसा कमा सकते हो। तो जाओ www.fairplay.co.in पर विजिट करो और वहाँ पर 300% का डिपॉजिट बोनस ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाओ और खेलना शुरू करो, कमाना वहाँ भी शुरू करो। चलो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी कमेंट करके जरूर बताएं, लव यू, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।